कि आप कातिल हो। आपने उस वक्त जो आज कदम उठाया गया 370 धारा का, पहले भी उठ सकता था, आपने क्यों नहीं उठाया? आपने लालचों पर राजनीति की, आपने वोटों पर राजनीति की, आपने सत्ता की राजनीति की। हम आपको हर लगातार घंटे में बता रहे हैं, भले वो वसुधैव कुटुंबकम हो, कैसे ये जो 74वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो याद रखा जाएगा, बदला हुआ राष्ट्र हो, कोविड की बात हो, भारत का विश्व गुरु बनना हो, या फिर एक नया जम्मू कश्मीर हो जो कि आतंक मुक्त हुआ। बिल्कुल सचिन, और ये हम हिंदुस्तान के मस्तक की बात कर रहे हैं, और जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था, देखिए वो साकार अब हो चुका है। और जम्मू कश्मीर जो अभी तक देश का हिस्सा होते हुए भी देश से जुड़ा हुआ नहीं था, वो अब जुड़ गया है। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता यहाँ पर उपस्थित है हमारे प्रांगण में, और हमारे साथ एमएस बिट्टा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो एमएस बिट्टा जी, जो लोग ये कहते थे कि कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, ये बोलते थे ना कुछ लोग, लेकिन देखिए अब स्थिति यह है कि पूरी आन बान और शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लाल चौक पर भी, पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं कल एक तस्वीर आपके चैनल पे देख रहा था नरेंद्र मोदी जी की। आज के नरेंद्र मोदी और देखोगे तो पहचाने नहीं जाएंगे, और वहां पे लाल चौक पे तिरंगा झंडा तो लहराना एक बंदे मातरम की दूर से आवाज निकलनी, गोलियों से उड़ा दिया जाता था, बम्बों से उड़ा दिया जाता था। ये मैं वो पुरानी बात कर रहा हूं। बिल्कुल उनकी दाढ़ी काली थी और तिरंगा झंडा लेके उन्होंने लहराया था, एक संकल्प लिया था कि कभी देश की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं सबसे पहले 370 धारा खत्म करके एक संविधान, एक तिरंगा, एक जनगण मन, एक राष्ट्रगान होगा। और वो आजादी मिल गई, सरदार पटेल जी का अधूरा सपना वो पूरा हो गया। और एक सवाल, जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां पीछे रही, चाहे उन पार्टियों में मैं भी था, मेरा बचपन गुजरा उन पॉलिटिकल पार्टियों से, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक, वो जवानों की शहादतें हमें सवाल पूछेंगी, उन जवानों की बहनें, उन जवानों की माएं, उन जवानों के पिता, उन जवानों की पत्नियां, उन जवानों के बच्चे, पुराने बैठे हुए हर राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए उन लोगों का सवाल पूछेंगी कि आप कातिल हो, आपने उस वक्त जो आज कदम उठाया गया 370 धारा का, पहले भी उठ सकता था, आपने क्यों नहीं उठाया? आपने लालचों पर राजनीति की, आपने वोटों पर राजनीति की, आपने सत्ता की राजनीति की, आज ऐसा क्यों हुआ कि आज आतंकवाद समाप्त होता जा रहा है? आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा, जिसको आज से 2 साल पहले आग लगाई जाती थी, पत्थर फेंके जाते थे जवानों पे, आज तिरंगा झंडा हर जगह पे लहराया जा रहा है। यह भारत को एक नई आजादी मिली है। पर फिर कहूं, पुराने सत्ता में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे उसमें मैं शामिल था, हमें लोगों को सवाल पूछना होगा कि आप उन बेगुनाह जवानों के कातिल हो, आपने वो सवाल क्यों नहीं पहले उठाया जो आज हिंदुस्तान की वो जनता की नब्ज, हिंदुस्तान की वो कैंसर की बीमारी 74 साल से जड़ से उखाड़ करके फेंकती। ये है आज का हिंदुस्तान मैडम। देखिए, राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हम क्या परिवर्तन देख रहे हैं कि जो हमारे युवा थे वहां पर, जो पहले पत्थर उठाते थे, बंदूक उठाते थे अपने हाथ में, आज के दौर में वो अब सेना में भर्ती हो रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है? पहले तो बड़ा अच्छा इन्होंने वंदे मातरम के ऊपर गाना गाया, मुझे बचपन का वो दिन याद आता है, 15 अगस्त का वो दिन जब पंजाब हिंदुस्तान से टूटने वाला था, जब कुछ आतंकवादी शक्तियों ने कहा था हम पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान से पंजाब को तोड़ देंगे, और 15 अगस्त का दिन आया, उस दिन कहा अगर तिरंगा झंडा लहराओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून था तो बम चलाएंगे। हमें वो दिन याद है, नौजवान थे हम, हमने बम गोलियां खाए, सुबह 5 बजे बम फेंका,
और आतंकवादियों का जवाब बम गोलियों से बंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को लहराया। और उस वक्त बोला था हमने, मुख में बंदे मातरम, मन में बंदे मातरम, शरीर के बहते हुए खून में बंदे मातरम, खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना हमें, चीख भी निकलेगी निकले की बंदे मातरम। और उस वक्त उस तिरंगे झंडे की रक्षा 15 अगस्त को की थी हमने। पर कश्मीर की जो आपने बात की, कश्मीर का युवा, कश्मीर का हमारा भाई, कश्मीर का मुसलमान हमारा बच्चा, वो अब IPS IAS बनना चाहता है, वो फौज में बन जाना चाहता है, पर रुकावटें थी। आज एक नई आजादी मिली है, आज एक संकल्प लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को BJP का कोई हिंदुस्तान का दुनिया का व्यक्ति ना समझे, वो तो एक अमर हो चुके जीते जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कई समस्याओं को हल कर दिया, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन करके, जिन्होंने चाइना की सरहदों के ऊपर, हमारा जवान तो सेफ्टी पे खड़ा है बंदूक लेके, पर वो 56 इंच की छाती नहीं जिनका ये मजाक उड़ाते थे, 60 इंच का सीना चौड़ा करके चाइना की गोलियों के आगे खड़ा हो गया और कहा, पहली गोली नरेंद्र मोदी का सीना पार करके जाएगी, फिर मेरे जवान पे लगेगी, फिर मातृभूमि के ऊपर कोई आंच आएगी, पहले मुझे आएगी। ये आज का भारत है। और मैं बता दूं आपको, अगर कोरोना की महामारी ना होती तो आज कश्मीर का युवा एक उसका अलग इतिहास होता। कोरोना की महामारी खत्म होने दो, हिंदुस्तान के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ, पंजाब तो नहीं हम बना पाए, पर मैं गारंटी से कहता हूँ कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे पहला सूबा होगा जो एक फूल की तरह कहलाएगा, फूल की तरह चमकेगा और पूरी दुनिया में नाम होगा। ये आज का हिंदुस्तान है, ये मेरा अनुभव है, मेरा किसी से कोई लेना देना। तभी तो मीमांसा ने कहा ना, तभी तो कहा कि हमारा मस्तक है और हमारा मस्तक का जो तेज है वो तेज कहीं ना कहीं उसका तेज एक छीन लिया गया था और ये तेज बरकरार रहना चाहिए। कि ऐसे नहीं ये आजादी मिली, आजादी इतनी आसान नहीं थी, इस आजादी के लिए लहू बहाया गया है, तब जाकर के हम इस देश का सबसे बड़ा 74वां ये पर्व मना रहे हैं। आजादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे, शहीद आजम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, राजगुरु, सुखदेव, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुभाष चंद्र बोस, जब घर से निकलते थे उस वक्त ये खद्दर पहन करके माथे पे तिलक लगा के खून का, और कहा करते थे अपनी माँ को, माँ गोली सीने पे खाएंगे, इस भारत माँ से अंग्रेजों को आजाद कराएंगे। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री तक ये मुल्क आजाद रहा। मैं किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जो मेरा राजनीति का अनुभव है, जब बम्बों गोलियों में अस्पतालों में और पूरा आधा शरीर निकल गया, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद क्या नारा लगा, भगत सिंह जी क्या कास्ट धर्म में बांटना चाहते थे? नहीं, वो कहते थे गरीब हो अमीर हो, कोई कास्ट हो, मजहब हो, धर्म हो, आजादी वो हुई है, हर एक को इंसाफ मिले। क्या हुआ, हम पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया, कास्टों में, मजहबों में हिंदुस्तान को बांट के रख दिया। और आज हम रोया करते थे जब शहीदों की शहादत होती थी, जब बहनों के सुहाग उजड़ते, बच्चे यतीम होते, दिल्ली के अंदर जगह जगह में ब्लास्ट, ट्रेनों में ब्लास्ट, 26/11 की घटना, पूरी दुनिया के अंदर 5-6 साल पहले ब्लास्ट होते थे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कोई ब्लास्ट हिंदुस्तान के, कई 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, क्या दिल्ली के अंदर को ब्लास्ट हुआ? हम रोया करते थे, हम तो चले जाएंगे दुनिया से, इस देश को कौन देखने वाला शहीदों को होगा। आज एक योद्धा निकला नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसी ने, आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी ने 6 साल का इतिहास। मेरी जनता को सवाल है, पूछो कहीं ब्लास्ट हुआ? दीनानगर, पठानकोट की घटना हुई, कश्मीर में हुई, पर आज पूरा भारत, कश्मीर नहीं, पूरा भारत आतंकवाद से। बिल्कुल MS बिट्टा साहब, ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आप बात कह रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो आजादी वक्त दिया था, मुझे याद है जब उस वक्त हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमारे जवान जख्मी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जवानों को देखने गए थे और एक जवान उठ नहीं सकता था, उसके हाथों में उसके चोटें थी, गोलियों के निशान थे, और वंदे मातरम बोलता हुआ कहता, मैं माफी चाहता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं आपको सलूट नहीं कर सकता। पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने सलूट करके कहा,
ये बहादुर जवान सलूट तुम्हें मैं करूंगा। तुम्हें पीठ पे गोली नहीं खाई, तुम्हें सीने पे गोली खाई है। और आज नरेंद्र मोदी, अब गोली नहीं किसी को लगेगी, ये आज का भारत है। ये पूरी दुनिया को बताया, पूरे विश्व में बताया। आज दुनिया हिंदुस्तान के रास्ते पे चल रही। आज आप देखिए राफेल, आज जगह जगह पे हम लड़ना नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, पर ये बता दिया अगर एक गोली चलेगी, ये आज का हिंदुस्तान है। 100 चलाएंगे, लाखों चलाएंगे। और अभी भी पाकिस्तान कहता है मैं कश्मीर लेके रहूंगा, और उसको आज के दिन आजादी के दिन कहना चाहूंगा, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हरा ही रहेगा। ये आज का भारत है जिस उस बहादुर योद्धे ने इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा की है। और उन लोगों को कहना चाहूंगा जो क्रिटिसाइज करते हैं, कभी प्रदीप जी कहा करते थे आजादी के वक्त गदार होते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए घरदारों से। अरे ऐसा भारत आतंकवाद से मुक्त हो गया भारत, हम तारीफ तो ना करें पर कम से कम निंदा मत करें, इसको आजादी मानेंगे, इसकी आजादी की रक्षा हो।